हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामिल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम फोर टक ब्लाउज की स्टिचिंग करना सीखेंगे। कटिंग हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी, आई होप आप सबने उसे देख लिया होगा। जिस चीज ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके देख लेना। ओके, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट रेडी करेंगे, तो उसके लिए ये जो हमारा मेन फैब्रिक था ना, इसको मैंने सीधा रख लिया है। ये हमारी सीधी साइड रहेगी, उसके ऊपर मैंने लाइनिंग का जो फैब्रिक था उसको मैंने उल्टा रख लिया है। उल्टा रखने के बाद यहाँ पे हाफ इंच छोड़ के जहाँ पे भी मैंने येलो चौक से डॉट डॉट की मार्किंग की है ना, वहाँ पे हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा के हो गया, इसमें हमें कट्स लगा लेनी है। हमने कट्स लगा के हो गया, अब इसको हमें ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें धार स्टिच लगानी है। धार स्टिच हम जैसे भी लगाते हैं ना इसको, ये जो हमारा फैब्रिक है ना उसको हम इस साइड कर लेंगे। फिर यहाँ पे किनारी पे हमें पूरे गले में सिलाई लगा लेनी है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे ओपन करेंगे, ये ओपन हो गया। फिर ये जो हमारा फैब्रिक है ना एक्स्ट्रा फैब्रिक, उसको हमें अस्तर की साइड जाने देना है। फिर पॉइंट पे हमें स्टिच लगा लेनी है। ये हमने पॉइंट पे स्टिच लगा के हो गया। अभी फिर हमें वापस इसको उल्टा ही रख लेना है। उल्टा रखने के बाद अब हमें नीचे का जो है ना उसको पैक करना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अस्तर को एक लाइन जितना बाहर रखेंगे। फिर हाफ इंच के गैप पे हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमने पूरे में सिलाई लगा के हो गया, इसमें भी हमें कट्स लगा लेनी है। यहाँ पे आप दूर दूर से कट्स लगाओगे तो चलेगा, जहाँ पे राउंड शेप होता है ना वहाँ पे हमें नजदीक नजदीक से कट्स लगानी पड़ती है, ताकि जो हमारा कपड़ा है ना वो अच्छे से शेप में आ जाए। इसके लिए अब यहाँ पे भी हम धार स्टिच लगा लेंगे। तो इसको हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अस्तर की साइड कपड़े को जाने देंगे। फिर किनारे पे हमें स्टिच लगा लेनी है। धार स्टिच लगा के हो गया, अब इसको हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो सीधा करके हो गया, अब इसको ऐसे करने के बाद यहाँ से हमें पॉइंट की एक सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ आपको प्रेस लगानी है, तो आप वो भी कर सकते हो। बट आपको ये बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी हमारा साइड का अस्तर है, ये दोनों फैब्रिक हमारा ऐसे साथ में आना चाहिए, वैसे इसको रख लेना है। फिर इसके ऊपर सिर्फ आपको प्रेस चलानी रहेगी, तो आप प्रेस चला सकते हो। मैं यहाँ पे एक स्टिच लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने पॉइंट की सिलाई लगा के हो गया, इसके ऊपर मैंने प्रेस चला ली है। तो प्रेस चलाने से ना इसकी फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आती है, तो आपको भी प्रेस चलाते चलाते ब्लाउज सिलनी है। ओके, तो इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। अगर आप चाहो तो ये नीचे की साइड पे सिलाई लगा सकते हो, नहीं लगाना होगा तो वो भी चलेगा। यहाँ पे मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो देखो ये सेट हो गया है। पीछे की साइड से हमारा जो मेन अस्तर का जो कपड़ा है ना वो थोड़ा नीचे की साइड चला जाएगा, और मेन फैब्रिक है वो थोड़ा ऊपर रहेगा, ताकि इसको वॉश करेंगे तो हमारा जो अस्तर है वो बाहर की साइड दिखेगा नहीं। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक है ना उसको हमें जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ से हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। इतना हमें ओपन रख लेना है, क्योंकि हमें शोल्डर जॉइंट करते टाइम इसको ओपन चाहिए ना इसके लिए। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों साइड पे सिलाई लगा लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के हो गया, यहाँ से सिर्फ मैंने यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट किया है, यहाँ तक दोनों साइड पे ऐसे ही हमने सिलाई लगा के हो गया। यहाँ पे हमारा बैक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्लीव्स रेडी कर लेंगे। स्लीव्स में हमें अस्तर नहीं लगाना है, तो ये हमारा मेन फैब्रिक रहेगा, ये इसकी रॉन्ग साइड रहेगी। इसको हमें यहाँ से एक बार फोल्ड कर लेना है, फिर वापस से फोल्ड कर लेना है। ऐसे दो बार फोल्ड करके यहाँ पे किनारी पे हमें स्टिच लगा लेनी। यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स की मोरी को ऐसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है, तो सीधी साइड से ये ऐसा रहेगा। इसको हम यहाँ पे प्रेस लगा लेंगे ना, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो स्लीव्स हमारी रेडी हो गई दोनों।
अब इसको हम साइड कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। पार्ट रेडी करने के लिए लेफ्ट साइड दोनों सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इसको डार्क कर लिया। फिर इसको उल्टा रख लेना है, उल्टा रखेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रेडी कर लिया है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक रहेगा। मेन फैब्रिक में भी हमें टक्स लगाना है और हमें लाइनिंग के फैब्रिक में भी टक्स लगाना है। टक्स को हमें कैसे लगाना है, तो सबसे पहले हम ये वाला टक्स रेडी कर लेंगे। तो ये जो टक्स है ना, इसको हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है, और ये पीछे वाली जो लाइन है और ये लाइन दोनों सेम आनी चाहिए। वैसे हम इसको फोल्ड कर लेंगे, जितना भी कपड़ा हमारा क्रॉस हो रहा है उतना हमें होने देना है। फिर हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगानी है। तो देखो यहाँ पे हमने सिलाई लगा के हो गया। अब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये हमारा एक टक्स कंप्लीट हो गया। सेम तरीके से ये वाला टक्स भी रेडी कर लेना है। इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ तक हमारा पॉइंट है ना, उसको ध्यान देना है। फिर यहाँ से हम इसको जितना भी हमारा कपड़ा क्रॉस जा रहा है उतना हमें जाने देना है। इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। दोनों हमारी लाइन जो है ना वो सेम आनी चाहिए। वैसे हम इसको रख लेंगे, यहाँ से देख सकते हो ये दोनों लाइन हमारी सेम है। अब यहाँ पे भी हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सिलाई लगा के हो गया। इसको हम ओपन करेंगे। अब हमें ये वाला टक्स रेडी कर लेंगे। इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये हमारा दोनों पॉइंट सेम आना चाहिए ऐसे। अब यहाँ से हम स्टिच लगा लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा बाकी ये वाला एक टक्स बाकी है, तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। फोल्ड करने के बाद ये हमारा दोनों फैब्रिक सेम आना चाहिए। यहाँ पे टक्स लगाते टाइम ये बात ध्यान रखनी है, ये जो हमारा फैब्रिक है ना वो हमारा एकदम सेम आना चाहिए। ये ऐसे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, इसको हम सेम रखेंगे। फिर हमें यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट कर लेना है। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा के हो गया। यहाँ पे देखो सिर्फ हमने यहाँ तक मार्किंग की, बट मैंने सिलाई ऊपर तक लगाई है ताकि हम इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट नहीं बनेगा। अगर हम सिलाई नहीं लगाते ना तो ये ऐसे ओपन हो जाता। इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे की साइड लेके जाना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ऐसे ऊपर हो रहा है ना, तो हम इसको अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा राउंड हो गया है तो उसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। देखो यहाँ से ऐसे थोड़ा राउंड हो गया है ना, तो इसको हम यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। तो अब देखो वो वैसे नहीं हो रहा है अब। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर हम प्रेस लगा लेंगे। अब देखो ये जो हमने जैसे भी कंप्लीट किया है ना, ये हमारा पीछे की साइड का रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे जैसे टक्स लगाया है ना, सेम तरीके से हमें मेन फैब्रिक पे भी लगा लेना है। और हमारा ये एक साइड का रेडी हो गया, दूसरी साइड का भी सेम तरीके से कर लेना है। ओके, तो मैं सब एक, तो ये मैंने आपको बता दिया है, सेम तरीके से आपको सब कुछ रेडी कर लेना है। ओके, इतना कंप्लीट कर लेंगे फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे मैंने अस्तर में भी टक्स लगा के हो गया, मेन फैब्रिक में भी मैंने टक्स लगा लिया, फिर इसके ऊपर मैंने प्रेस भी चला ली। अब यहाँ पे हमें ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, उसको हमें सीधा रख लेना है। ये सीधा रख लिया, उसके ऊपर हमें लाइनिंग के फैब्रिक को उल्टा रख लेना है। उल्टा रखने के बाद यहाँ से हम लेके यहाँ तक हाफ इंच के गैप पे हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमने ऐसे कट्स लगा ली है। कट्स लगा के कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से हमें पॉइंट की सिलाई लगानी है। उससे पहले हम धार स्टिच लगा लेंगे। इसको हम ओपन करेंगे, कपड़े को हम अस्तर की साइड जाने देंगे, फिर यहाँ से धार स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने धार स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे का पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर से मैंने अस्तर को ऐसे ही रख लिया। अब इसको हम ऐसे कर लेंगे। अब ये जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है ना, उसको हम एक लाइन जितना बाहर रखेंगे, फिर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा के कंप्लीट हो गया। इसमें भी हमें दो तीन कट्स लगा लेनी है। फिर यहाँ पे भी हम थर्ड स्टिच लगा लेंगे। इसको हम ओपन करेंगे, अस्तर की साइड कपड़े को जाने देंगे, फिर यहाँ से थर्ड स्टिच लगा लेंगे।
ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद पॉइंट की सिलाई लगा लेनी है नेक पे भी और नीचे कमर में भी। ये हमने नेक पे सिलाई लगा के हो गया। अब यहाँ पे ना मैंने बटन पट्टी भी लगा ली है। ये बटन पट्टी को कैसे लगाना है वो मैंने सारी वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ से जाके देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगी, तो वहाँ से जाके आप देख लेना। ओके, तो ये हमारा इसके ऊपर आ जाएगा। ये हमारा एकदम परफेक्ट आना चाहिए। ये दो टक्स भी हमारा सेम आना चाहिए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट एकदम कम्प्लीट हो गया। अब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो शोल्डर कैसे ज्वाइंट करना है, तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, उसके ऊपर हम बैक पार्ट को उल्टा रख लेंगे। अब हम शोल्डर कैसे ज्वाइंट करेंगे वो ध्यान से देखना। ये जो हमारा फैब्रिक था ना बैक पार्ट को, तो हमने यहाँ पे जो स्टिच लगाई थी ना यहाँ तक, इसको मैंने थोड़ा सा ओपन कर लिया है। अब इसके ऊपर हम इसको रख लेंगे, इसके बराबर एग्जैक्ट रख लेना है। यहाँ पे हमारा सेम फैब्रिक आना चाहिए, वैसे हम रख लेंगे। फिर यहाँ से इसको ऐसे पकड़ने के बाद इसको मैं से ओपन कर लेंगे। ऐसे ओपन करने के बाद यहाँ से हम एक स्टिच लगा लेंगे हाफ इंच के गैप पे। ये हमने सिलाई लगा के हो गया। अब ये जो फैब्रिक है ना, इसको हम ऐसे उल्टा कर लेंगे ऐसे। ओके, यहाँ पे हमारा एकदम बराबर आना चाहिए, ऐसे हम रख लेंगे। फिर जहाँ पे भी हमने सिलाई लगाई है ना, उसके ऊपर हमें दूसरी सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सिलाई लगा के हो गया। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे बराबर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फ्रंट साइड से ये ऐसे रहेगा और बैक साइड से भी ये ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा ऐसे हो रहा है ना, तो इसको हम कट करके बराबर कर लेंगे। जैसे भी हमने यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट किया है ना, सेम हमें दूसरी साइड पे भी शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है। फिर यहाँ पे ओपन रहेगा इतना फैब्रिक, तो इसको भी हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। दोनों शोल्डर हमारा ज्वाइंट हो गया है। अब हम स्लीव्स लगाएंगे, तो स्लीव्स को हम उल्टा रख लेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड रहेगी और जो भी हमने कट्स लगाई है ना, वो यहाँ पे ही आनी चाहिए। अब इसको हम चेक करेंगे कि हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कपड़ा कहाँ पे आएगा। तो फिर यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे रख लेंगे, हाफ इंच के गैप पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखो, हमने यहाँ पे डबल सिलाई लगा के हो गया। सेम हमें दूसरी साइड भी स्लीव्स अटैच कर लेनी है। यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव्स ज्वाइंट करके हो गया है। अब हम ब्लाउज को उल्टा करके फिटिंग करेंगे। अब हम इसकी फिटिंग करने से पहले, आप सब बोल रहे हैं ना कि आप जैसे ब्लाउज बनाते हो उस टाइप की हमें फिटिंग नहीं मिल रही है, तो आप एक काम करना कि हम जो ब्लाउज ऐसे रखते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा जो सेंटर रहेगा, सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया, ऐसे हमें पिंस लगा लेनी है। ओके, फिर आपको क्या करना है, इसको ऐसे अच्छे से रख लेना है। अच्छे से आप इसको रखोगे ना, तो यहाँ पे देखो, ये हमारा बैक साइड का पार्ट देखो इतना ज्यादा रहेगा और यहाँ पे भी हमारा कपड़ा ज्यादा रहेगा, एक एक इंच जितना। ओके, तो इसको आप अच्छे से दोनों साइड से सेम रख लेना। फिर यहाँ से आप ऐसे मार्क कर लेना। तो देखो, यहाँ पे ना मेरा जितना भी फैब्रिक ज्यादा था ना, उसको मैंने मार्क कर लिया है दोनों साइड से। ओके, अब हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे। यहाँ पे मैंने जो पिंस लगाई थी वो निकाल लेंगे और सिर्फ हमें इसके ऊपर पिंस लगा लेंगे। अब ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करेंगे तो देखो, यहां से ना हम वापस से पिन लगा लेंगे। ये हमारा सेंटर था, तो हमने सेंटर में, यहाँ पे हमारा ये वाला सेंटर आएगा, तो हम यहाँ पे सेंटर में एक पिन लगा लेंगे ऐसे, ताकि हमें पता चले कि हमारा यहाँ पे सेंटर आएगा। अब हमें यहाँ से इसको भी हमें इससे सीधा रख लेना है, इसके बराबर हम सीधा रख लेंगे। फिर जो हमने मार्क की थी वहां पर हम एक पिंस लगा लेंगे ऐसे। सेम तरीके से आपको यहाँ पे भी कर लेना है। ओके, मैं एक साइड पे आपको अच्छे से समझाती हूँ, फिर दूसरी साइड से आप वैसा कर लेना। अब यहाँ से आप ऐसे करोगे, फिर नीचे का वाला जो कपड़ा है ना, वो हमारा यहाँ पे आना चाहिए। जो हमने मार्क किया है ना, वहां पर हम इसको रख लेंगे ऐसे। तो देखो, यहाँ पे हमारा ये होगा, तो ये हमारा मार्किंग हो गया। यहाँ पे भी हम एक पिंस लगा लेंगे। सेम हमें यहाँ पे भी कर लेना है। तो देखो, इतना कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे हमारी चेस्ट कितने इंच की है। 41 इंच की हमारी चेस्ट है, तो हम इंची टेप में ही कर लेते हैं। 41 का हम हाफ करेंगे। देखो, यहाँ पे हमारा 41 है, उसका हम हाफ करेंगे।
तो 20 हाफ आएगा ना, तो यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर 20 हाफ पे हम मार्क कर लेंगे। 20 हाफ हमारा जहाँ पे भी आ रहा है ना वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 20 हाफ आ रहा है, यहाँ पे मैंने एक मार्क कर लिया, सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी कर लेंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब चेस्ट हमने कर लिया, अब हम कमर देखेंगे। कमर हमारी 32 इंच की है तो हमें 32 का हाफ करना है। हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 16 इंच। 16 इंच का हाफ करेंगे तो 8 इंच आएगा, तो सेंटर में हम 8 इंच को रख लेना है। फिर 16 इंच हमारा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम 16 इंच पे मार्क कर लेंगे। सेम मार्किंग हमें यहाँ पे भी 16 इंच पे कर लेनी है। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम इसको स्ट्रेट जॉइंट कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब सेम हमें दूसरी साइड भी कर लेना है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे, तो स्लीव्स में ये हमारा जितना भी ऊपर नीचे हो रहा है ना उतना अभी हम होने देते हैं। जो भी जैसा भी हो रहा है ना उसको हमें अभी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आप फिटिंग की मार्किंग करना। अभी ये हो गया। अब हमारी मोरी कितने इंच की थी, 13.7 इंच की, 13.7, 5, 6 और 7, उसका हम हाफ करेंगे तो जो मिलेगा वहाँ पे हमें चौक से मार्क कर लेंगे। तो 7 इंच के ऊपर एक ऊपर नहीं, 7 इंच में एक लाइन कम आ रहा है तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे 7 इंच में एक लाइन कम। जो भी हमने मार्क किया है ना उसको हम इसके साथ जॉइंट कर लेंगे चेस्ट के साथ। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी कर लेना है। अब आप ना यहाँ पे सिलाई लगा लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेना। ओके, तो यहाँ पे देखो हम ऐसे करेंगे ना तो हमारा जो कपड़ा रहेगा ना ऐसे ऊपर नीचे होगा। तो आप जो बोल रहे थे ना कि हमारी क्रीज आ रही है, ठीक से फिटिंग ब्लाउज नहीं बैठ रही है, तो आप एक बार इस तरीके से आप ब्लाउज फिटिंग करके देख लेना। ओके, इसको अभी कट कुछ भी मत करना, सिर्फ आपको मैं देखने के लिए बोल रही हूँ। तो आप एक बार जो भी आप ब्लाउज बनाओगे, जो मेरे तरीके से जैसा भी मैंने सिखाया है ना फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक जो भी सिखाया है ना, उस तरीके से आप ब्लाउज बनाना। सिर्फ आप फिटिंग करते टाइम ये वाला ट्राई करके देखना। ओके, आप इस टाइप का ट्राई करके देखो, फिर यहाँ से आप फिटिंग की सिलाई लगा के देख लो। यहाँ से हमारा इतना कट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हमारा गैप इतना ही बचेगा, वो हम बाद में देखेंगे कि क्या करना है। बट आप ये तरीके से आप ट्राई करके देखो, फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि इस तरीके से आप फिटिंग करोगे ना तो आपकी ब्लाउज परफेक्ट बैठेगी, तो आप कमेंट करके बताना। ओके, फिर हम यहाँ पे क्या करना है ना वो हम देखेंगे कि उसमें मैं कुछ एडजस्ट करके आपको फिर से सिखा दूंगी। ओके, यहाँ पे हमारा इतना कम कपड़ा बच रहा है ना, तो इतना कम कपड़ा नहीं बचना चाहिए। यहाँ पे हमारा पीछे का देखो, यहाँ पे हमारा कपड़ा फ्रंट पार्ट में इतना कम रहेगा ना, तो हमें फ्रंट पार्ट में भी ज़्यादा करना पड़ेगा। जो भी रहेगा ना वो हम आगे देखेंगे कि हमें किस तरीके से करना है। बट आप एक बार ट्राई करके देखो कि इस तरीके से आपको ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो कमेंट में बताओ कि इस तरीके से ब्लाउज हमें परफेक्ट आ रही है। ओके, अगर नहीं हो रहा है फिर भी आप कमेंट करके बताओ। ये सिर्फ मैं आपको चेक करने के लिए बोल रही हूँ कि इस तरीके से एक बार आप फिटिंग करके देखो, फिर क्या हो रहा है वो मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, अभी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, इसको हम यहाँ पे कुछ कट नहीं करेंगे अभी। ओके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस तरीके से ब्लाउज हमारी परफेक्ट फिटिंग हो रही है कि नहीं। तो आपको भी इस तरीके से ब्लाउज फिटिंग करके चेक कर लेना है कि आपकी ब्लाउज में क्रीज आ रही है नहीं, तो फिर यहाँ पे फ्रंट पार्ट का जो रहेगा ना वो ऐसे खींच रहा है कि नहीं, वो मुझे कमेंट करके बताना। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है, जहाँ पे मैंने सिलाई लगाने को बोला है वहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ना हमारा जो कपड़ा है ना वो बहुत कम बचेगा, 1.5 इंच जितना ज़्यादा रहना चाहिए ना उतना नहीं बचेगा। तो यहाँ पे इतना ऊपर नीचे होगा तो उसको आपने आपको होने देना है। ओके, तो ये जो मैंने चेक करने के लिए बोला है ना, वो मैंने क्यों बोला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ब्लाउज आपकी जिस तरीके से फिटिंग बैठ रही है उस तरीके से हमारी ब्लाउज नहीं बैठ रही है। तो आप सिर्फ एक बार ट्राई करके देखो कि इस तरीके से आप करोगे तो ब्लाउज अच्छे से फिट बैठ रही है कि नहीं। ओके, अगर बैठ रही है फिर भी आप कमेंट करना, फिर नहीं हो रहा है तो भी आप कमेंट करके बोल देना। ओके, तो देखो ऐसे हमारी 4 टक्स ब्लाउज बन के पूरी कम्प्लीट हो चुकी है। फ्रंट साइड से इसका लुक कुछ इस टाइप का रहेगा और बैक साइड से हमारी ब्लाउज इस टाइप की रहेगी।
तो देखो ऐसे हमारी ब्लाउज बनके पूरी कंप्लीट हो चुकी है और जो भी मैंने फिटिंग में बताया है ना, यहाँ पे देखो ये जो बताया है ना वो सिर्फ आपको मैंने ट्राई करने के लिए बोला है। आप ऐसा मत सोचना कि जो हम वो हमने पहले इस टाइप का सिखाया आप ऐसा बोल रहे हो। तो आप सबके कमेंट थे कि उस टाइप की ब्लाउज फिटिंग मतलब नहीं हो रही है, आर्म होल में ऐसे क्रीज आ रही है और जो फ्रंट पार्ट का है ना वो पूरा ऐसे खींच रहा है। इसके लिए मैंने इस तरीके से आपको सिर्फ ट्राई करने के लिए बोला है। ओके, आप ट्राई जरूर करना, ये वाला जो मैंने अभी बताया है ना वो ट्राई करके सिर्फ मुझे बताना कि इस तरीके से हम करते हैं ना तो आपको ब्लाउज बराबर से फिटिंग हो रही है कि नहीं। अगर इस तरीके से जो हमारी ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग हो जाएगी ना तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फ्रंट पार्ट है ना तो यहाँ पे देखो इतना कपड़ा यहाँ पे सिलाई का जो भी हमने ऐड किया था वो नहीं बच रहा है ना, तो हम उसमें और ऐड कर लेंगे। ओके, तो मैं उस तरीके से आपको अलग से सिखा दूंगी, बट आप ऐसे करके बताना कि आपको वो ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग हो रही कि नहीं। सिर्फ आपको कमेंट करके बोल देना है कि इस तरीके से ब्लाउज परफेक्ट आ रही है, आ रही होगी तब भी आप कमेंट करके बताना और नहीं आ रही होगी फिर भी आप कमेंट करके बता देना। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद आपको किस टाइप की ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।